दोस्तों आप लोगों को हमारी शुभम सपोर्टर चैनल में एक नए वीडियो के साथ एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को जो मैंने अभी थंबनेल में दिखाया है कि आप लोगों को अपने शॉर्ट वीडियो में थंबनेल कैसे लगाना है, तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाऊँगा और बताऊँगा और सिखाऊँगा भी। दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों जो शॉर्ट वीडियो में थंबनेल लगता है, उस थंबनेल लगने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ऑडियंस के लिए। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके समझाऊंगा, ताकि दोस्तों आप लोग एक बार हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर आप लोगों को एक ही बार देखने में थंबनेल लगाना है कैसे आप लोग सीख जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को हम पूरे प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे और सिखाएंगे भी, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और आप लोग बहुत ही आसान तरीके से अपने शॉर्ट वीडियो में थंबनेल लगा पाएंगे। और दोस्तों आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि बहुत से शॉर्ट वीडियो हैं जो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो जाते हैं। वायरल हो जाने का तरीका यही है कि हर किसी को मालूम नहीं होता है कि ये थंबनेल जो लगाया जाता है और ये वीडियो वायरल होती है कैसे। आप लोग देख रहे होंगे कैसे इतनी तेज़ी से वीडियो वायरल होती है। तो दोस्तों इसका रीज़न यही होता है, क्योंकि दोस्तों जो भी शॉर्ट वीडियो बनाया जाता है, कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाता है ताकि वो वीडियो कुछ देखने में उसकी क्वालिटी ही कुछ अलग हो, और उस वीडियो से ऐसा एक इंटरेस्टिंग जगह स्थान से आप लोगों को अपना थंबनेल लगाना होता है उस शॉर्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम आप लोगों को दिखाएंगे और सिखाएंगे कैसे आप लोगों को थंबनेल लगाना है। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आप लोगों को वो सारी जानकारियों, वो सारे ट्रिक्स आप लोगों को देंगे कि आप लोगों के शॉर्ट वीडियो में थंबनेल कैसे लगाना है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों जैसे कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो दोस्तों जैसे कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, और सबसे पहले हम अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, और हमें सबसे पहले आप लोग ये देख रहे होंगे नीचे प्लस का निशान है, प्लस के निशान पर टच करेंगे और आप लोगों को शॉर्ट क्रिएट शॉर्ट पर नहीं आप लोगों को अपलोड करना है। आप लोगों को अपलोड ए वीडियो पे से वीडियो आप लोगों को शॉर्ट अपलोड करना है। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मैं एक वीडियो ले रहा हूँ, आप लोगों को उदाहरण के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोग जैसा भी वीडियो बनाए आप लोग अपने वीडियो के तरीके से आप लोग लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं एक ये वीडियो ले रहा हूँ, और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को वीडियो को नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से भी आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर मैं थंबनेल कैसे लगाऊंगा। दोस्तों मैं तो बस आप लोगों को केवल थंबनेल लगाने के लिए आप लोगों को सिखा रहा हूँ कैसे आप लोगों को थंबनेल लगाना है, और आप लोगों को कैसे वीडियो बनाए हैं, आप कैसे भी नहीं बनाए हैं, जैसा भी आप वीडियो बनाए हो आप अपने वीडियो के तरीके थंबनेल लगाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो में आप लोग देख रहे हैं ऊपर, इसमें पेंसिल का निशान बना हुआ है, इस पेंसिल के निशान पर आप लोग टच कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से है, और आप लोग इसको जहाँ से भी आप लोगों को अच्छा लगे आप वहाँ से थंबनेल में ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो दोस्तों मैं इसको इस थंबनेल में यहाँ पर इसको ले रहा हूँ, और यहाँ पर आप दाहिने साइड देख रहे होंगे यहाँ पर डन लिखा है, और जिसमें हिंदी में होता है वहाँ पर ऐड लिखा होता है। तो दोस्तों किसी में डन करने के लिए लिखा होता है और किसी में ऐड करने के लिए लिखा होता है। तो दोस्तों हम इसको यहाँ से डन कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये थंबनेल लग चुका है, जो भी हमने वहाँ से जो थंबनेल बीच से जो कट कर लिया था वो यहाँ पर थंबनेल लग चुका है। और दोस्तों यहाँ से आप वीडियो अपलोड कर देंगे, और दोस्तों ये वीडियो अपलोड हो रही है। और दोस्तों आप लोग जो मेरे इस वीडियो के पीछे बैकग्राउंड आप लोग देख रहे हो, आप लोग इस बैकग्राउंड को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इस चैनल से, जो बिल्कुल फ्री है, नो कॉपीराइट है।
आप ये थंबनेल हमारे शुभम सपोर्टर चैनल से आप लोग इस वीडियो को कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आएगी। दोस्तों हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है और अब आप लोगों को लेकर चलते हैं, वीडियो को पब्लिश करते हैं और आप लोगों को दिखाते भी हैं कि थंबनेल जो हमारी इस वीडियो में लगाया गया है वो थंबनेल लगा या नहीं लगा है, ताकि आप लोगों को कंफर्म क्लियर जानकारी हो जाए कि थंबनेल लग चुका है। दोस्तों हम YT स्टूडियो में चलते हैं और दोस्तों हम यहां पर उस वीडियो को चेक करते हैं जो वीडियो अभी हमने अपलोड किया है, वो वीडियो हमारी यहां पर थंबनेल लगा या नहीं लगा है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं कि यहां पर ये इस वीडियो में थंबनेल लग चुका है। और दोस्तों आप लोग इसी प्रकार से अपने वीडियो में थंबनेल लगा सकते हैं। और दोस्तों इस थंबनेल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये थंबनेल में हाई क्वालिटी का पिक्चर्स जो थंबनेल में लगा दिया जाता है उसी को देखकर वीडियो ज़रूर आप लोगों की देखी जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी मैंने ट्रिक बताया, समझाया, जो भी सिखाया, ज़रूर आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में अपने थंबनेल लगाने के लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके समझ में आया होगा। और दोस्तों मुझे खुशी तभी होगी जब आप लोग स्वयं प्रैक्टिकल के साथ आप लोग अपने शॉर्ट वीडियो में ये थंबनेल लगाएंगे और अपने वीडियो वायरल भी करेंगे। और उसके बाद जब आप मेरी वीडियो फिर से देखेंगे, आप मेरे पास कमेंट करेंगे, तभी मुझे खुशी होगी कि आप लोगों को मेरे बताए हुए ट्रिक से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहीं से एंड करते हैं और आप लोगों से अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।